और ये बोलेंगे कुछ नहीं जब तक इनको सिद्धि हासिल नहीं हो जाएगी, मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं, ये बोलेंगे कुछ नहीं। तुम्हें इनसे जो भी पूछना है तुम इनसे इशारों में पूछ लो। विद्युत्मा बहुत ज्ञानी थे। विद्युत्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं इशारों में ही जान जाऊंगी कि ये कितने ज्ञानी है। कहते हैं कि विद्युत्मा ने कालिदास के साथ बैठकर शशास्त्र शुरू किया सिर्फ इशारों में। विद्युत्मा ने काली को एक उंगली दिखाई, काली ने विद्युत्मा को दो उंगलियां दिखाई। बैठे हुए लोगों ने व्याख्यान किया कि विद्युत्मा पूछ रही है कि क्या ब्रह्मांड एक है, लेकिन हमारे गुरु कालिदास कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड एक नहीं, ब्रह्मांड दो है, एक बाहरी ब्रह्मांड और एक आंतरिक ब्रह्मांड। काली आप क्या व्याख्यान है, काली क्या समझ रहे थे? काली तो महामूर्ख थे। काली समझ रहे थे कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ूंगा। विद्युत्मा ने फिर काली को पांच उंगलियां दिखाई, काली ने ऐसे दिखाया। बैठे हुए लोगों ने व्याख्यान किया कि विद्युत्मा पूछ रही है कि पंच तत्वों से क्या बनता है, हमारे गुरुजी कह रहे हैं पंच तत्वों से सुदृढ़ शरीर बनता है, कालिया क्या व्याख्यान। विद्युत्मा तो सच पूछ रही थी, कालिदास उल्टा सीधा समझ रहे थे। काली क्या समझ रहे थे, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें मुक्का मारा। कहते हैं कि ऐसे ही जितने भी प्रश्न पूछे गए विद्युत्मा ने तो ठीक से पूछे, कालिदास ने उपड़ान आंसर दिए, लेकिन बैठे हुए लोगों ने उसका सही व्याख्यान कर दिया। और जब सही व्याख्यान किया तो विद्युत्मा को हरा दिया गया और जिता दिया गया कालिदास को। विद्युत्मा हरी जीते काली, तो शर्त के अनुसार जो पुरुष विद्युत्मा को हरा देगा विद्युत्मा को उसी से विवाह करना होगा। नतीजा विवाह हो गया कालिदास का विद्युत्मा के साथ। लेकिन आप जानते हैं कि बात कितने दिन छुपी रहती, दिन छोड़ो बात खुल गई, बात पता चल गई और विद्युत्मा को बात समझ में आया कि मेरे साथ छल हुआ है, इन लोगों ने मेरे साथ एक मूर्ख आदमी का विवाह करा दिया है। कुछ देर तो नाराजगी रही, होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप जानते हो कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़कियां पाई जाती हैं भारत देश में, सबसे अच्छी लड़कियां।